हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मायके में एक जगह पर मेला लगा हुआ था, तो मैंने सोचा, मम्मी ने कहा कि चलो तुमको भी एक बार दिखा लाती हूँ, और बाकी घर वाले सभी घूम के आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ, दिखाती हूँ। तो शिल्प उत्सव है वहाँ पर, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों का मेला लगा हुआ था। तो अभी मैं, मेरी मम्मी और मेरी कज़न सिस्टर, हम तीनों जा रहे थे मेला देखने के लिए। तो इन लोगों ने पहले से देख रखा है, बट फिर भी मेरे साथ जाने, मम्मी ने कहा कि चलो तुमको भी दिखा देती हूँ, मैं कल ही आई हूँ। तो मम्मा ने कहा कि तुम क्यों बाकी रहोगी, तुमको भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, हम मेला में पहुँच चुके हैं, और इस मेला का नाम शिल्प उत्सव मेला है, और ये हमारे यहाँ एक वीक के लिए लगभग लगा हुआ है। तो यहाँ से एंट्रांस था जहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, और ये देखिए बहुत सारे शॉप्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के सामान है जो हमारे किचन की यूटिलिटीज़ भी हो सकते हैं, वॉशरूम की यूटिलिटीज़ है, सब ब्रशेस वगैरह हैं, कपड़े धुलने वाले वगैरह वगैरह। और ये कुछ श्रृंगार के सामान वाले स्टोर हैं जहाँ हेयर बैंड और इयररिंग्स वगैरह थे। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ का लुक दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में, कलरफुल सा। तो फिर मैं आपको एक एक करके शॉप दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्लावर शॉप है, यहाँ पर फ्लावर पॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये सॉक्स वगैरह और बच्चों के बड़ों के सॉक्स हैं, और ये रूम स्लीपर्स वगैरह हैं, और ये कुछ मसाले वगैरह हैं, ऐसे करके शॉप्स लगे हुए हैं। और इधर बच्चों के टॉयस एक बास्केट में करके रखा हुआ है, और ये ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की ज्वेलरीज, मेकअप का सामान वगैरह अवेलेबल है ये देखो। और मतलब लगभग सभी तरह की चीज़ों का शॉप यहाँ पर लगा हुआ था। ये देखिए साड़ी का शॉप है यहाँ पर, और ये चूड़ियों वगैरह का है, जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो। फिर से यहाँ पर एक प्लास्टिक वगैरह का शॉप लगा है, और ये केक टीन वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। ये कीचेन वगैरह का शॉप है, यहाँ पर हेयर बैंड्स और रबर बैंड्स, बच्चों के क्लिप्स वगैरह सब हैं, स्टिकर्स वगैरह थे। और ये देखिए चिप्स पापड़ अचार के शॉप हैं यहाँ पर लगे हुए, और साथ ही यहाँ एक और सॉक्स वगैरह, सॉक्स और टोपी और रूम स्लीपर, बाथरूम स्लीपर वगैरह का शॉप था। और ये देखिए फर्नीचर के भी हैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि सोफ़ा वगैरह है, और ड्रेसिंग टेबल, ये सब कुछ था, पलंग बेड वगैरह था। ये कुछ बहुत कम ही प्राइस में, 100 रुपीज़ का सेल की तरह, गर्म कपड़े और ठंड ऐसे नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर थे। देखो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का टी शर्ट और ट्राउज़र्स वगैरह अवेलेबल है। ये वुडन फर्नीचर का शॉप लगाया है, उधर पीछे बच्चों के स्कर्ट्स वगैरह के शॉप लगे हुए हैं। तो आप देख ही रहे हो, लगभग हर तरह की चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो आप मेरे इस व्लॉग को एंजॉय करो, आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा, और मैंने भी यहाँ पर खूब एंजॉय किया। हालांकि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी और बहुत महंगी लग रही थी, तो मैंने बहुत कम चीज़ें ली, बट परी आई थी साथ में, तो परी के लिए पेन वगैरह हमने बाय किया क्योंकि उसको बहुत पसंद आया था। ये देखो सॉफ्ट टॉय वगैरह है, वो पहले भी लेके गई थी यहाँ से, और उसको बहुत सारा पेन वगैरह अच्छा लग रहा था। अभी पढ़ने की उम्र है तो पेन पेंसिल स्टिकर्स वगैरह बच्चों को तो अच्छा ही लगता है, तो वो ले रही थी। और ये देखिए पर्स वगैरह का यहाँ पर स्टॉल भी लगा हुआ है, और ये चूड़ी और ज्वेलरीज का स्टोर है, बैंगल्स एंड ज्वेलरी, ये देखिए। तो इस तरह करके लगभग सभी तरह की चीज़ों का स्टोर है यहाँ पर। देखिए स्लीपर्स और बेलीज वगैरह का भी है, शूज़ वगैरह थे यहाँ पर। और हम ये गोल गोल घूमते हुए वापस एंट्रांस की तरफ आ गए हैं, और यहाँ देखिए किचन बनाया जा रहा है, आप अपने नाम का किचन बनवा सकते हो। परी ने अपने नाम का किचन टच करके दिखाया है, उसने बनवाया भी था लास्ट डे जब वो मम्मी के साथ आई थी तो। और ये नेहा के साथ अजीत लिखा हुआ है, मैं दिखा के परी को हंस रही थी कि नेहा के साथ तो मनीष होना चाहिए था, फिर मैं उसको ले भी सकती थी। और ये हम वापस एंट्रांस की तरफ आ गए हैं, यहाँ एक गन्नू महाराज की मूर्ति लगी हुई थी, और मम्मा मुझे चूड़ी दिखा रही थी। मम्मा ने लास्ट डे जब आई थी तो चूड़ी लिया था, तो मुझे भी कह रही थी ले लो, बट उतना कुछ खास मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। और ये देखो बहुत सारे कारपेट्स वगैरह और फुट मैट सब कुछ था यहाँ पर,
कुछ चीज़ें बहुत ही किफ़ायती रेंज में थी और कुछ चीज़ें तो बहुत ही हैवी रेंज की थी। तो इस तरह करके चारों तरफ से एक स्टोर गोल गोल घुमाकर पूरा कारपेट ग्रीन कलर का कारपेट बिछा के और स्टोर लगाया हुआ था, जहाँ पर कुर्ती प्लाजो लेगिंग्स और ये सब नाइटीज़ वगैरह भी अवेलेबल थी। तो इस तरह करके ये सारे शॉप्स थे। तो मैं पूरा घूम चुकी हूँ और इधर थोड़े बच्चे के झूले वगैरह भी थे, तो हम थोड़ा उधर भी गए थे देखने के लिए। हालांकि बच्चे कोई थे नहीं साथ में, तो झूला तो झूलना नहीं था। तो इस तरह हमारा ये घूमना हो गया। आई होप आपको मेरा ये वाला चुटकू सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है। मैं मिलती हूँ जल्दी एक और अच्छे से। सी यू सून। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।